आप कौन से ब्लॉक में अपने कोड को एनक्लोज करके मतलब रखकर कौन से ब्लॉक में आप अपने को रखकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें एरर आ, आ, आ रही है या नहीं आ रही है राइट right? तो आप कौन से जो भी कोड आपको लगता है कि एरर प्रोड्यूस कर सकता है उस कोड को आप कौन से ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करते हो मतलब कौन से ब्लॉक के अंदर आप उसको लिखते हो आप लिखते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर ओके जब हम क्या करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ओके वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इस कोड का आउटपुट क्या होगा आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एक्स और ट्राई ब्लॉक को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक राइट और एक्सेप्ट में आपने दिया है प्रिंट एंड एक्सेप्शन अकर्ड अब एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा जब ट्राई ब्लॉक में क्या होगी एरर होगी एक्सेप्शन रेज होगा राइट right? अब यहां पे देखो प्रिंट एक्स दिया हुआ है एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एक्स क्या है राइट right? तो ये क्या क्रिएट करेगा ये एरर क्रिएट करेगा ये एक्सेप्शन रेज करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा तो जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसके पास कंट्रोल जाएगा और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एंड एक्सेप्शन अकर्ड ये क्या होगी ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा राइट right? तो इसका जो करेक्ट uh, आंसर है वो है बी ओके okay?

किया है आपने लिमिट से ज्यादा वैल्यू को इनपुट कराया है राइट तो ओवरफ्लो क्या होता है इट रेज वेन अल्कुल्स राइट ट्राई ब्लॉक को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं आप ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज कर सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पे जीरो मोर देख करेक्ट uh, 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 नहीं है जो परफेक्ट आंसर है वो है डी मोर देन जीरो मीन्स आप ट्राई के साथ एक्सेप्ट यूज करोगे ही करोगे राइट right? मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ओके नाउ विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड अब यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट बताना है एक्स की वैल्यू है टेन और वाई की वैल्यू क्या है एट राइट एसर्ट कीवर्ड के बाद आपका आपको कंडीशन दी गई है एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो ये क्या है कंडीशन ट्रू है एसर्सन एरर कब आती है जब आपकी कंडीशन क्या होती है फॉल्स बट यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है तो एसर्शन एरर क्रिएट नहीं होगी रेज नहीं होगी तो ये एरर मैसेज भी आपका डिस्प्ले नहीं होगा राइट right? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है नो no आउटपुट क्योंकि इसके नीचे तो हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एरर भी अगर यहाँ पे ये यह फॉल्स होती कंडीशन तो आपका आउटपुट आता है एक्स टू स्मॉल राइट पर यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू है एसेशन एरर रेस नहीं हुई है तो आपका आउटपुट क्या है सी दैट इज आपका आंसर है सी दैट इज नो आउटपुट When will the else part of try except else be executed? जब आप try except else को use करते हो तो else part कब execute होता है राइट right? तो एल्स पार्ट आपका कब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं अकर करता राइट right? कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तब ट्राई के बाद आपका डायरेक्टली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स राइट जब एक्सेप्शन रेज नहीं होता तो ट्राई के बाद डायरेक्टली कौन सा आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एल्स ब्लॉक ओके सिंटेक्स एरर्स आर आल्सो नोन है सिंटेक्स एरर को आप जो सिंटेक्स एरर होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है उनका आप उनको कहते हैं पार्सिंग एरर्स राइट सिंटेक्स एरर को हम पार्सिंग एरर्स भी कहते हैं ओके okay? क्योंकि सिंटेक्स एरर कैसे पता चलती है जब uh, आपका कोड क्या होता है पार्स होता है पार्स मींस उसको चेक किया जाता है ओके uh, okay? उस, जब उसको पार्स किया जाता है राइट right? उसको चेक किया जाता है तब तब सिंटेक्स एरर अकर्स होती है डेट्स वाई सिंटेक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज पार्सिंग एरर ओके

कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या आप मल्टीपल एक्सेप्शन को स्पेसीफाई कर सकते हो और एक एक्सेप्ट ब्लॉक क्या मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है ओके okay? तो इसका आंसर क्या है येस yes. कर सकता है और आप इसको कैसे डिफाइन करोगे आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे यस लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर कोमा सिंटेक्स एरर कोमा जीरो डिवीजन एरर कोमा आप इस टाइप से इस फॉर्म में आप मल्टीपल एक्सेप्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो राइट तो एक एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कर सकता है मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है ओके यहाँ पे आपको इसको लिस्ट में एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है आप सिंपली आप इसको स्पेसिफाई कर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ कोमा राइट नाउ वर्ट विल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है डेफ गेट मंथ गेट मंथ नेम से फंक्शन क्रिएट किया है और उसमें आप पास करे हो एम राइट अब इफ एम इज स्मॉलर देन अगर एम क्या है one से स्मॉल है और या फिर एम इज ग्रेटर देन ट्वेल्व से स्मॉल है या फिर 12 से ग्रेटर है तो आपका वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए और मैसेज आ जाएगा आपके पास इन अब आपने क्या किया और उसके बाद आप प्रिंट करा दोगे जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो राइट एम की वैल्यू ओके okay? अब आपने क्या किया गेट मंथ इस मैथ इस फंक्शन को आपने कॉल किया और वैल्यू पास कराई सिक्स आपने कौन सी वैल्यू पास कराई सिक्स इसके अंदर सिक्स पास कराई तो यहाँ पे देखो सिक्स क्या होता है वन और ट्वेल्व के बीच के अंदर इन uh, बिटवीन आता है राइट right? तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा ओके okay? और सिंपली क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा एम की वैल्यू तो आपका आंसर क्या आएगा सिक्स ओके वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा आपने लिस्ट ली है वन टू थ्री उसके एलिमेंट है ओके okay. अब आप क्या कर रहे हो एलिमेंट को एक्सेस कर रहे करो फाइन यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू ली है थ्री ओके बट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है जीरो वन एंड टू राइट ये है आपकी इंडेक्स वैल्यू ओके okay, तो अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एरर आएगी और कौन सी एरर आएगी इंडेक्स एरर बिकॉज यहाँ पे आप गलत इंडेक्स दे रहे हैं ओके okay, इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है टू राइट right? तो आपकी कौन सी एरर क्रिएट होगी यहाँ पे इंडेक्स एरर बिकॉज यू आर गिविंग रॉन्ग इंडेक्स हेयर नेक्स्ट वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड टी ओके okay, आपने टी एक आइडेंटिफायर लिया है टी यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है लिस्ट है या आप कुछ भी ले रहे हो ओके एंड फाइव ओके अब यहाँ पे देखो कौन सी एरर आएगी कौन सी एरर आएगी यहाँ पे आएगी आपकी नेम एरर बिकॉज आपने डिफाइन नहीं किया है कि टी क्या है राइट वी डोंट नो द टी नेम ओके okay, तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी नहीं है डेटा टाइप का हमें नहीं यहाँ डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है वैल्यू का भी नहीं है इंडेक्स का भी नहीं है नेम का है क्योंकि हमें टी नेम नहीं पता क्या है राइट दिच ऑफ द फोलोइंग नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग की वर्ड इन पाइथन तो कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है ट्राई होता है ट्राई के बाद आपका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है फिर आपका फाइनली होता है एल्स होता है फिर फाइनली होता है यहाँ पे जो ए, ए, सी ऑप्शन है वो क्या है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है तो आपका ऑप्शन है सी राइट वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द टाइम मॉड्यूल हैज ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड तो हमारे पास पाइथन कोड है फोर प्लस थ्री अब यहाँ पे थ्री क्या है एनक्लोज है विद इन सिंगल कोर्स तो ये थ्री क्या बन गया स्ट्रिंग वैल्यू बन गई ओके फोर क्या है नंबर इंटीजर और थ्री क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि अनसपोर्टेड डेटा टाइप है तो यहाँ पे आपकी कौन सी एरर आएगी यहाँ पे आपकी आएगी टाइप एरर बिकॉज दे आर दे बिलोंग टू द डिफरेंट डेटा टाइप्स राइट

कोड या जो भी इंपॉर्टेंट कोड है उसको रखते हो जिससे कि वो हमेशा एग्जीक्यूट हो ओके नाउ इट इज वेन रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड ये ये कब आती है जब आपका रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ओके क्या है आपको नहीं मिलता है फाइन आपने आप कोई मॉड्यूल क्या करना चाहते हो इंपोर्ट करना चाहते हो लेकिन वो वो क्या है नहीं है वो या तो एग्जिस्ट नहीं कर, कर रहा है राइट right? तो इस केस में कौन सी एरर आती है आपकी इंपोर्ट एरर कि आप रोंग मॉड्यूल को क्या कर रहे हो इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो फाइन इट इज़ रेस्ड वेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की वाइल एक्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ये ऐडा करवाती है जब यूज़र क्या करता है एक्सीडेंटली डिलीट की को प्रेस कर देता है यास्केप की को प्रेस कर देता है जब एग्जाम क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है ड्यू टू विद द नॉर्मल फ़्लो ऑफ़ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड जिससे क्या होता है जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है वो रुक जाता है राइट right? जब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपने एक्सीडेंटली डिलीट या एस्केप की को प्रेस कर दिया तो क्या होता है उसका नॉर्मल प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या होता है हॉल्ट हो जाता है रुक जाता है इंटरप्ट हो जाता है तो इस टाइप की एरर को आप क्या कहते हैं इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट या फिर की एरर ओके नाउ इट इज रीस्ड वेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीस्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन ये एर कब आती है जब आप फाइल के एंड पर पहुंच जाते हो लेकिन इनपुट फंक्शन ने उस फाइल से कोई भी डेटा रीड नहीं किया होता है फाइन तो इस एरर को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर जहां पे इनपुट फंक्शन एंड तक पहुंच जाता है विदाउट रीडिंग एनी डेटा राइट वी द कंट्रोल रीच टू द एंड ऑफ द फाइल बट इनपुट फंक्शन डजेंट रीड एनीथिंग नाउ इट इज यूज वेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड ये एर कब आती है जब आपने लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को नहीं डिफाइन किया है राइट right? आपने नहीं बताया है कि कौन सा वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है फाइन विद इन अ ब्लॉक ये वर्क कर रहा है या फिर ये पूरे प्रोग्राम के लिए है लोकल क्या होता है विद इन अ ब्लॉक जो यूज हो रहा है राइट right? और ग्लोबल क्या होता है विच इज विच इज यूज बाय द होल प्रोग्राम राइट right. तो यहाँ पे कौन सा एरर uh, क्रिएट होता है जब आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं करते हो तो यहाँ पे आता है आपका नेम एरर ओके वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इस पाइथन कोड का आउटपुट आपको बताना है यहाँ पे फंक्शन है डेफ और फंक्शन का नेम है फू ओके okay? आपने ट्राई ब्लॉक में एक स्टेटमेंट दी प्रिंट वन ओके प्रिंट वन देन यू हैव फाइनली ब्लॉक उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक है और आपने उसमें स्टेटमेंट दी प्रिंट टू राइट अब आपने फंक्शन फू को कॉल कर दिया फंक्शन फू को यहाँ पे कॉल किया है राइट right? तो ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी तो प्रिंट वन आपका प्रिंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा और फंक्शन इस फंक्शन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है राइट right? तो इसलिए यहाँ पे सिंपली प्रिंट आप जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वन आ गया और फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है तो टू आ गया तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से आपको वन मिला एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट से आपको टू मिला राइट ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक फाइंड हैंडलिंग इन पाइथन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल